फ्रेंड्स वेलकम टू चावला मंत्र यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो भी कैंडिडेट ने कमेंट्स किए हैं, कुछ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स उठाए हैं और उनके आंसर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रही वीडियो के अंत तक, जिनके भी कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो को देखने बाद पक्का ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो प्लीज़ मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का नाम है भवानी चावला, आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। वैसे मैंने उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, मई सेकंड चैनल करके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फर्स्ट कमेंट किया है यहाँ पे, मैं अगर स्टडी में गैप हो तो एडमिशन के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, करेक्टर और गैप। तो फ्रेंड्स जिनकी भी स्टडी में 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का गैप है, तो जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा ये फ्रेंड्स आपका तहसील से बनेगा। तहसील से आप फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट बनाना है। और जिनका गैप नहीं है तो जहाँ से उन्होंने जो भी डिग्री ली है, एमए ग्रेजुएशन जो भी है, वो कॉलेज से ही बन जाएगा अगर गैप नहीं है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि करेक्टर सर्टिफिकेट तहसील से कैसे बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है, करेक्टर सर्टिफिकेट कब लगता है? तो ये सर्टिफिकेट जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कॉलेज में 2 या 3 दिन दिए जाते हैं, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होती है, तब आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगला है, मैम काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? तो काउंसलिंग आपकी फ्रेंड्स ऑनलाइन होगी, घर बैठे आप फ़ोन से अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं होती है। 2 साल हो गए और मैं बता दूँ कि काउंसलिंग आपको फ़ोन से कैसे फिल करनी है। ठीक है, अगला है, काउंसलिंग फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो जुलाई में भी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए काउंसलिंग। अगला है, मैम जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो भी काउंसलिंग फिल कर सकते हैं? जी हाँ, तो मैंने पिछले कल ही HBU से कन्फर्म किया है, तो उन्होंने बताया है कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो भी काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, मैम एडमिशन पर कितनी फीस पे करनी पड़ती है? तो जो आपकी फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज का अलग से आप रहता है, प्राइवेट कॉलेज का अलग रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस फर्स्ट साल की है 49,000 और प्राइवेट कॉलेज की 10,000 समथिंग रहेगी 1 साल की फीस। ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है आपकी एडमिशन किस कॉलेज में हो रही है। ठीक है, अगर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो काउंसलिंग में इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और काउंसलिंग में नहीं लगते आपके डॉक्यूमेंट, जब आप कॉलेज आपको कॉलेज मिल जाता है, आपको जब कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हैं तब लगते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फिर आपको फ्रेंड्स कॉलेज मिलने से रह जाता है। मैम आप काउंसलिंग फीस कब भरनी होगी? तो काउंसलिंग फीस जब आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे उसी टाइम आपको 500 रुपया पे करना होगा, जो गैर वापसी होगा वो आपको वापस नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड, अपर राउंड, 500 रुपये काउंसलिंग लगेगा। ठीक है, अगला है, लिंक सेंड करना काउंसलिंग का। जब भी फ्रेंड्स HBU शेड्यूल जारी करेगा काउंसलिंग का, जब लिंक आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके साथ मैंने पूरे शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका फ्रेंड्स कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।